तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव इस समय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। लोग इतिहास विकृतीकरण का मुद्दा भी भूल गए हैं। चुनावों के ही चलते सलमान खान की टाइगर 3 को भी उम्मीद से कम दर्शक मिल रहे हैं। खैर, अब बात मध्य प्रदेश इलेक्शन की। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे ओपीएस भदौरिया का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने राकेश शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। इन्हीं राकेश शुक्ला का टिकट साल 2013 में बीजेपी ने काट दिया था और उनके स्थान पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकेश चौधरी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया था। अपना टिकट कटने के बाद तब राकेश शुक्ला ने बीजेपी से बगावत कर दी थी और वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। 2013 का चुनाव लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से महगांव विधानसभा से लड़ा था, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सके थे। अब उन्हीं राकेश शुक्ला को बीजेपी ने मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट काटकर फिर से महगांव सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब इस बात से भदौरिया बहुत दुखी हैं और उनका दर्द कई बार सामने भी आ चुका है। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राकेश शुक्ला के पक्ष में प्रचार करने महगांव आए, तब मंच पर ही भदौरिया के आंसू निकल आए। सिंधिया ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यही होता है एक सच्चा कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति निष्ठा। टिकट कटने के बाद भी चुनाव मैदान में है, यही भारतीय जनता पार्टी परिवार की निशानी है, जिसको भदौरिया जी बखूबी निभा रहे हैं। ये अलग बात है कि मंत्री पद के लिए सिंधिया स्वयं अपनी मूल पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और जिन नेताजी का वो प्रचार करने आए थे वो स्वयं टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे। तो सवाल उठता है कि पार्टी निष्ठा का फायदा क्या, जब दल बदलुओं को ही पार्टी इनाम देती है। वैसे लोकतांत्रिक राजनीति में क्षत्रिय नेताओं को इसी तरह मूर्ख बना दिया जाता है जैसे सिंधिया जी ने ओपीएस भदौरिया को बना दिया।